ज़्यादा मशहूर हूँ, पीडीएफ का खुदावंदे ज़ात ने मेरे पे बहुत बड़ा ये अपना फ़ज़ल किया, करम किया कि जब पीडीएफ के फर्स्ट नुमाइंदे पहली दफ़ा मेरे पास पहुँचे और उन्होंने मुझे आकर बताया कि इस तरह 3 दिनों के लिए इस्लामाबाद के अंदर एक वर्कशॉप हो रही है, उसमें तमाम मज़ाहब के लोग, तमाम मुकाबले फ़िक्र के लोग वो शिरकत कर रहे हैं और उसमें अमन के फ़रोग के हवाले से, बैन मज़ाहब हम आंगी के हवाले से बातचीत होती है जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। मैंने उनकी बात पे थोड़ी सी देर के बाद सोचने के बाद हामी भरी और उनसे कहा कि फिर ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही आपके साथ चलूं, बल्कि मेरे अपने इस गांव के अंदर अब्दाल चीमा सियालकोट रोड गुजरांवाला हमारे अपने गांव के अंदर एक चर्च है, तो यहाँ पे तो हमें ऐसे काम के लिए तो बहुत ज़्यादा तलाश है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं उनको फौरी तौर पर वहाँ पर चर्च के अंदर ले गया और वहाँ के पादरी साहब से मुलाकात की और उनको भी हमने दावत दी, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से हमारे साथ इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार तो ना हुए। बहरहाल मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे वर्कशॉप की, तो उसके बाद इतनी मेरे अंदर तब्दीली आई, इतनी तब्दीली आई कि एक वक्त था कि मैं मुसलमानों में से किसी दूसरे मसलक के आलिम को या खतीब को देखना पसंद नहीं करता था, जिससे इतनी तब्दीली आई कि मैंने वहाँ पे वादा किया मैं अब वापस जाकर अपनी मस्जिद के अंदर अमन के हवाले से, पीडीएफ के हवाले से, मुल्क में बैन मज़ाहब हम आहंगी के हवाले से 2 खुतबात जुम्मा पढ़ाऊँगा। और फिर मैंने ये पढ़ाए और जिसके खातर खा नतज ये निकले कि मेरे मसीही भाई जो मेरे गाँव में रहते थे, मैं उनको इतना करीब करने लगा और वो मुझे अपने इतना करीब समझने लगे, हम एक दूसरे से बातें शेयर करने लगे। वो मुझे जब बताते थे कि आप मुस्लिम हैं, हमने भी आपको कुरान पढ़ा है, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके मज़हब मज़हब के बारे बहुत ज़्यादा जान के आया हूँ, मालूमात लेकर आया हूँ, आप तो हमारे बहुत करीबी हैं, इंसानियत होने के नाते पर हमें आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने चाहिए। जिस बुनियाद पर फिर मैंने बाकायदा मसीह कब्रस्तान बना था, उसकी तमीर तरक्की हुई थी, उसमें भरपूर हिस्सा लिया, मैंने मटेरियल उनको फराम किया, लेबर फराम की और इसी लिहाज से फिर अब जो मेरे जज्बात हैं, जो मेरे ख्यालात हैं, मैं चाहता हूँ कि पीडीएफ मेरे गांव में आए, मेरे इदारे में आए, मैं वहाँ पे तमाम मुस्लिम ख्वातीन को और जितनी वहाँ पर मसीही बरादरान की ख्वातीन हैं उनको जमा करूँगा और इस तरह एक मजलिस होगी, मीटिंग होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।